कोविड की इस महामारी से निपटने के लिए पुलिस द्वारा एक अभियान चलाकर 35 बिना मास्क बाजार में घूम रहे तथा दुकानदारी कर रहे व्यवसायों को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पकड़ा गया। इस अभियान की अगुवाई स्वयं दार्जिलिंग SP संतोष निम्बालकर IPS और ASP मनीष जैन IPS और सदर IC की टीम सम्मिलित थी। विशेष बातचीत के दौरान ASP ने बताया कि यह अभियान निरंतर चलता रहेगा और हम जनमानस से यह अपील करेंगे कि बिना कारण घर से बाहर ना निकले, अति आवश्यक होने पर मात्र घर से निकले, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क अनिवार्य रूप से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अन्यथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अतः सबों से अनुरोध है कि इस महामारी से निपटने में सहयोग करें। ये आपका, क्योंकि कोविड अभी भी आपका चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए हम आपके SP दार्जिलिंग सर, फिर मैं ASP टाउन, हमारे IC सदर, हम सब पूरा राउंड पे निकले हैं। पूरा आपका दार्जिलिंग मार्केट एरिया हमने कवर किया, लोगों को प्रोसिक्यूशन भी करने के लिए, थोड़ा बताने के लिए, वार्न करने के लिए। टोटल आज हमारा जो ड्राइव था, दिस वॉज अ सरप्राइज ड्राइव, ऐसा नहीं था कि प्री प्लान था। हमने ये प्लान किया है कि हम कुछ कुछ समय में सरप्राइज चेक करेंगे, ताकि लोगों को ऐसा पता ना लगे पहले से कि पुलिस आ रही है तो फिर वो पहने। जैसे आज का था, हम एकदम रैंडमली निकले, तो अराउंड 32 to 35 हमने आज प्रोसिक्यूशन करा है उनको, DM एक्ट के अंदर हमने उनको प्रोसिक्यूट किया है। तो इससे एक मैसेज हम सेंड करना चाह रहे हैं कि भले ही कोविड केसेस इंडिया में कम हो रहे हैं, बट स्टिल इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, कि ऐसा नहीं है कि एकदम आपका ज़ीरो नहीं हुआ है। धीरे धीरे अब दार्जिलिंग में, क्योंकि अब टूरिस्ट भी आ रहा है, तो उनके लिए भी दिखाने के लिए कि दार्जिलिंग जो पुलिस है इट्स वेरी एक्टिव एंड वी आर यू नो डीलिंग विद पीपल विद टूरिस्ट ऑल्सो इन अ वेरी यू नो गुड मैनर। ऐसा नहीं कि हम उनको थ्रेटन कर रहे हैं या कोएर्सिव एक्शन कर रहे हैं, विद इन द लॉ। ये हम आज का हमारा ये एक इनिशिएटिव है और ऐसे ही चलता रहेगा फ्रीक्वेंटली अनप्लान। नहीं नहीं, थर्ड वेव इसलिए नहीं होगा, एक तो हमारे नाके जो पॉइंट लगे हुए हैं नीचे से जो दार्जिलिंग के ऊपर हम आते हैं, तो वहाँ पे भी RT-PCR का चेक होता है, दैट इज़ विद कोऑपरेशन बिटवीन पुलिस एंड एडमिन साइड, हम वो चेक करते हैं। फिर होटल्स को यहाँ पे स्पेसिफिकली डायरेक्टिव्स दिए गए हैं दार्जिलिंग पुलिस की तरफ से, हमने पूरा एक आपका लिस्ट बनाया है सारे होटल्स का, वी गो फॉर सरप्राइज चेक देयर ऑल्सो कि कितने टूरिस्ट आए हैं, उनका आपने RT-PCR किया है। आज भी SP सर पर्सनली 2-3 जगह होटल में गए थे और पर्सनली चेक किया विद मैनेजर्स कितने टूरिस्ट आए हैं, उनका RT-PCR हुआ कि नहीं हुआ है। तो थर्ड वेव वाला तो इतना कुछ यहाँ पे है नहीं, बट स्टिल वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन। नहीं श्योर, तो ऐसे देखिए कि इन द एंड बात तो मतलब इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर है, अगर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम तो डंडे मार के नहीं बार बार किसी को कोएर्सिव एक्शन कर सकते। पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल देमसेल्फ, खुद ही RT-PCR करवाएं, खुद ही वैक्सीनेट हों। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट आपके चैनल्स के थ्रू कि प्लीज़ जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं अपना RT-PCR करवाइए, अपने पर वैक्सीनेटेड होइए, तब आप इधर उधर जाइए, वरना इट्स रिस्क फॉर हस ऑल्सो एंड फॉर वहाँ भी ऑल्सो। हम नहीं चाहते कि दार्जिलिंग के लोगों को बाहर से आपका कोविड हो जाए, बट स्टिल जो यहाँ का एडमिन साइड है, पुलिस साइड है, वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन, वी आर चेकिंग रेगुलरली सरप्राइज चेक ऑल्सो एट द बॉर्डर्स ऑल्सो, जो वैक्सीनेट हुए हैं, जो नहीं हुए, जो नहीं होते हैं उनको तुरंत रिटर्न कर देते हैं, हम उन्हें अरेस्ट करते हैं DM एक्ट के अंदर, उसके बाद जो एक्ट के अंदर लॉफुल कार्रवाई है वो की जाती है।